स्टूडेंट, आज हम व्यापारिक संगठन में साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होते हैं उन नियमों की व्याख्या करेंगे। विषय व्यापारिक आप जब किसी साझेदारी में किसी भी साझेदारी में साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं इन पर व्याख्या करें। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, किसी साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं इन सभी नियमों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले लाभ हानि का बंटवारा। जब भी साझेदारी संलेख नहीं होता है यानी साझेदारी का पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो ऐसी दशा में साझेदारी संलेख का अभाव होता है, उस दशा में इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा। तो ऐसी दशा में साझेदारी संलेख के मद लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में किया जाता है। इसमें समान अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। तो जब भी साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति होती है उस दशा में लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में किया जाता है। व्यापार का संचालन। व्यापार का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा प्रत्येक साझेदार को पूर्ण अधिकार होता है। सभी साझेदार व्यापार के संचालन में भाग ले सकते हैं सभी साझेदारों के द्वारा। सभी साझेदारों को पूर्ण अधिकार होता है कि वह व्यापार के संचालन में प्रतिभाग करें। तो सभी साझेदारों को समान रूप से अधिकार होता है कि वह व्यापार को संचालित करें। वेतन नहीं। यदि साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो ऐसी दशा में साझेदारों के द्वारा कोई भी साझेदारी फर्म से वेतन पाने का अधिकार ही नहीं होगा यानी वेतन नहीं मिलेगा। इसी दशा में पूंजी और आधार पर ब्याज नहीं। पूंजी व आहरण पर ब्याज साझेदारी संलेख के अभाव में कोई भी साझेदार के द्वारा पूंजी और आहरण पर ब्याज अगर उत्पन्न करने चाहते हैं तो पूंजी और आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज अगर साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति होती है तो ऐसी दशा में पूंजी और आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। ऋण पर ब्याज अगर साझेदारों ने साझेदारी फर्म को कोई ऋण दिया है तो ऋण पर 6% से अधिक ब्याज
नहीं लगाया जाएगा। अरे साझेदारों के द्वारा अगर कोई ऋण दिया गया है और ऋण उस ऋण पर ब्याज देना है तो वह ऋण पर ब्याज 6% से अधिक नहीं दे होगा। फर्म की संपत्ति का प्रयोग, कोई भी साझेदार फर्म की संपत्ति का प्रयोग नहीं करेगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं करेगा। कोई भी साझेदार फर्म की संपत्ति को व्यक्तिगत रूप में प्रयोग नहीं करेगा। हिसाब किताब देखना, साझेदारी फर्म में समस्त साझेदारों को हिसाब किताब देखने का पूर्ण अधिकार होता है। सभी साझेदार हिसाब किताब देख सकते हैं। सभी साझेदारों के द्वारा हिसाब किताब को देखा जा सकता है। नए साझेदार साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदारों को सभी की सहमति से प्रवेश दिया जा सकता है। कोई भी साझेदारी फर्म में नए साझेदारों को सभी साझेदारों की सहमति से प्रवेश दिया जा सकता है। साझेदारों को निकालना, सर्वसहमति से किसी साझेदार को नहीं निकाला जा सकता है। सर्वसहमति से किसी भी साझेदार को नहीं निकाला जा सकता है। अवकाश ग्रहण व मृत्यु पर साझेदारी भंग हो जाएगी। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वह साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण ले लेता है तो इन दोनों ही दशाओं में साझेदारी भंग हो जाएगी। साझेदारी की पुरानी साझेदारी भंग हो जाएगी और उस डेट से नई साझेदारी बना दी जाएगी। तो ये साझेदारी संदेह के अभाव में 10 नियम है। ये 10 नियम जब हमारी साझेदारी का पंजीकरण नहीं होता है उस वाली दशा में ये 10 नियमों को फॉलो किया जाता है और साझेदारी संदेह के अभाव में इन नियमों को फॉलो किया जाता है। तो हमें इनको ध्यान में रखना होगा। तो साझेदारी संदेह के अभाव में ये नियम हमारे सभी जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो।